हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, मैं दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर अंबाला आ गया हूँ वोट डालने। और क्या बताऊँ आपको, वोट डालना तो बहाना है, अंबाला का स्ट्रीट फूड खाना है। जी हाँ, चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। मैं इस वक्त हूँ अंबाला कैंट के निकलसन रोड पे और मेरे पीछे आपको अमरीक पूरी वाले का साइन बोर्ड दिख गया होगा। अंबाला कैंट में जी हाँ बहुत सारे पूड़ियों वाले हैं। टाइम टू टाइम नया नया कोई ना कोई फेमस होता रहता है, नए आते रहते हैं, पुराने निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप अंबाला आएँ, अंबाले की पूड़ियाँ ज़रूर ट्राई करें। और आज मैं पहली बार ट्राई करने आया हूँ अमरीक पूड़ी वाला, मैंने यहाँ कभी नहीं खाया। चलिए तो देखिए, टेक अवे काइंड ऑफ छोटा सा आउटलेट है, 4-5 यहाँ पे टेबल लगे हैं, आराम से बैठ के यहाँ खा सकते हैं। बाकी आपको सड़क देख लीजिए, चौड़ी खुली सड़क है, गाड़ी पे स्कूटर पे आराम से आ सकते हैं। निकलसन रोड पे है और नवजीवन यूनिफॉर्म के बिल्कुल सामने, जी हाँ निकलसन रोड नवजीवन यूनिफॉर्म के बिल्कुल सामने ये आउटलेट है। अगर इनका गूगल मैप लोकेशन में मुझे इनकी लोकेशन मिलेगी तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अदरवाइज बेस्ट तरीका यही है, निकलसन रोड पे आपको किसी से भी पूछ लीजिए अमरीक पूड़ी वाला, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचे हैं, माल बिल्कुल ख़त्म था, वो लेट इसलिए हो गए भाई, हमारे ये कैमरा पर्सन और हमारे ड्राइवर भैया ने वोट डालना था, इन्होंने पहले वोट डाला फिर हम दिल्ली से अंबाले की तरफ निकले हैं। चलिए अब आपको पूड़ियां दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो गुब्बारे की तरह फुली हुई पूड़ियाँ हैं, इसके अंदर पीठी भरी जाती है। ये देखिए मैदे की रहती है, ये देखिए, और ये पीठी भरी हुई है, ये येलो येलोइश क्रीम क्रीमिश सा आपको दिख रहा होगा, ये पीठी है इसके अंदर। और इसके साथ 4 टाइप की सब्जी होती है। जी हाँ, सब यहाँ पे रिवाज यही है कि मिक्स करके सब्जी सर्व की जाती है। एक होती है तरे वाली आलू, एक होते हैं छोले, एक होता है कद्दू और एक होते हैं सूखे आलू। तो हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पहुँचे हैं, सूखे आलू ख़त्म थे, छोले ऑलमोस्ट ख़त्म थे, एक कड़ची बची थी जो हमारी किस्मत में लिखा था। और इसकी कीमत है 40 रुपये, 2 पूड़ी और सब्जी 40 रुपये इसकी कीमत है। टेस्ट देखते हैं, मैंने कभी नहीं खाया यहाँ पे, जबकि मेरा पैदाइश अंबाले की है। और जब मैंने थोड़ा पूछा हिस्ट्री के बारे में तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पे किशोरी लाल जो सबसे पुराने मशहूर पूड़ियों वाले थे, पहले 2 ही फेमस होते थे, किशोरी लाल जी और जैन समोसे वाले, इन्हीं में तगड़ा कंपटीशन चलता था। फिर बाद में गर्ग पूड़ी वाला आया जिसको आज हर कोई फूड ब्लॉगर जाके कवर करता है। और भी आते रहे, आए गए बहुत सारे। तो इस वक्त हम लेट पहुंचे हैं तो हमारी नज़र सिर्फ अमरीक वाले पे पड़ी है, और भी यहाँ पे पूड़ियों वाले और हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो कवर करेंगे। इसको देखते हैं कैसा है टेस्ट। देखिए, इतने ज़माने बाद मैं अंबाले की पूड़ियाँ खा रहा हूँ, मज़ा तो मुझे आएगा। सबसे बढ़िया इनकी सब्जी की बात यह है, तेज मसाले मिर्चे नहीं हैं, और जो उन्होंने कद्दू की सब्जी डाली है उसमें मिठास रहती है, वो बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कद्दू की सब्जी, चटपटे आलू, छोले, सब जब मिक्स हो के मुँह पे ज़ुबान पे जाता है, हल्का सा हिंग का फ्लेवर भी आता है, नज़ारेदार। जी हाँ, 40 रुपये में बहुत बढ़िया है, सिर्फ अंबाले में, अमरीक वाले नहीं हैं, मैंने बताया जैसे आपको, और भी बहुत सारे फेमस हैं। जैसे दिल्ली में भटूरे छोले बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बटर चिकन बहुत ज़्यादा फेमस है, वैसी अंबाले में नाश्ते में ये पूड़ियाँ बड़ी फेमस हैं, जो कि डबल फ्राई की जाती हैं और 4 सब्जियों के साथ सर्व की जाती है, और हर जगह नॉर्मली यही 40 रुपये के आसपास का रेट है।
अगर आप अंबाला पूड़ियाँ खाना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग्स हैं 7:30 से लेके बेस्ट टाइम है दोपहर के 12 बजे, उसके बाद मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट आउटलेट पे चलते हैं। मैं इस वक्त हूँ अंबाला कैंट के हलवाई बाजार में और मेरे ये बराबर में पहलवान कचोरी वाले। जी हाँ, पहलवान कचोरी वाले। पिछली बार मैं जब यहाँ आया था, 5 साल हो चुके हैं उस बात को, मुझे इसलिए याद है क्योंकि पिछली बार भी मैं जब वोट डालने आया था इनके पास आया था और इनकी दुकान बिल्कुल बदल चुकी है। अब तो चमचमाती हुई एकदम टच, एकदम सजा दी है इन्होंने, बहुत प्यारी दुकान बना दी है इन्होंने और खड़े होके आराम से आप खा सकते हैं। और बाहर सज रही हैं टिकियाँ और सर्व हो रही हैं गर्मा गर्म कचौरी आलू की सब्जी के साथ। इनकी रेट लिस्ट दिखाता हूँ, तो प्राइसिंग देखिए, खस्ता कचौरी 25, समोसे की प्लेट 25, टिक्की की प्लेट 25, गुलाब जामुन 40। तो देखिए इनकी एक खासियत दिखाता हूँ, आप अंबाला आएँ या किसी भी शहर जाएँ, वहाँ पर एक चीज़ देखना, अंबाला में जो टिक्कियाँ बनती हैं मोटा सा तवा होता है। जी हाँ, मोटा सा तवा होता है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, अपने शहर की जहाँ टिक्कियाँ बनती हैं उनके तवे देखना और अंबाला के तवों से मैच करना, आपको पता लग जाएगा ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मोटे होते हैं और ये यहाँ की खासियत है। यहाँ पर ऐसे ही मोटे मोटे तवों पे टिक्कियाँ तैयार की जाती हैं। तो एक प्लेट में 2 टिक्की और आप टिक्की के ऊपर देखिए दाल डली हुई है, दाल की स्टफिंग के साथ है और ये इन्होंने आलू की सब्जी डाल दी, चटनी डाल दी। लीजिए, तैयार है 2500 रुपये की टिक्की की प्लेट। तो देखिए सबसे पहले रंग रूप देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर आलू की सब्जी डाल के सर्व किया जाता है टिक्की। जनरली अंबाले में ऐसा नहीं होता, चटनी दही वगैरह डाल के सर्व की जाती है अगर आप शाम के टाइम खाएंगे, लेकिन पहलवान जी की ये खासियत है, ये आलू की सब्जी सर्व करते हैं टिक्की के साथ। और टिक्की के रंग रूप देखिए, अगर आपको दिख पा रहा हो इसके अंदर देखिए, दाल की स्टफिंग करके ये टिक्की तैयार की जाती है मोटे से तवे पे। चलिए जी इसका टेस्ट देखते हैं, मुझे तो बहुत ज़माने हो गए, शायद मैं तो टेस्ट भी भूल चुका हूँ इसका। सबसे पहली चीज़, जैसे ही ये मेरा चम्मच पास आया, एक बहुत प्यारी महक आई और वो मुझे इन्होंने जो ऊपर चटनी डाली है उसकी है। सबसे पहली चीज मुझे ये लग रहा था जब इसके ऊपर आलू की सब्जी डाल दी जाएगी, जो टिक्की का अपना टेस्ट है वो कहीं ना कहीं दब जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो सब्जी है वो टिक्की के फ्लेवर को ओवर पावर नहीं कर रही, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। 25 रुपये प्लेट, बढ़िया, मेरी तरफ से थम्स अप। चटनी की चाहिए? आम की। तो कचौरी आ गई है, इसकी भी कीमत 25 रुपये है, 2 कचौरी और वही आलू की सब्जी और चटनी। चटनी इनकी अंबी की है जो मीठी चटनी है। ये देखिए रंग रूप देखिए, और जो इनकी कचौरी होती है उसके अंदर भी आलू स्टफ किया होता है। कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं पकड़ नहीं सकता, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके अंदर भी आलू की ही स्टफिंग होती है। देखिए जो यहाँ पे कचौरी मिलती है, जो दिल्ली यूपी में मिलती है उससे बिल्कुल हटके है, टेस्ट में भी हटके है, बनाने के तरीके में भी हटके है। जो यहाँ पे आलू है, आलू अच्छे हैं, करारे हैं, लेकिन हिंग का हल्का सा फ्लेवर है, तेज हिंग का फ्लेवर नहीं है। और ये कचौरी के साथ भी सही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और टिक्की के साथ भी सही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो सोने पे सुहागा काम कर रही है वो इनकी मीठी चटनी कर रही है। अगर अंबाला चक्कर लगे, खाने के शौकीन हैं और पहलवान जी पे कभी नहीं आए तो ज़रूर आइए, मज़ा आ जाएगा। तो मसालेदार करारी चीज़ें खाने के बाद फाइनली मेरी बचपन की फेवरेट जगह सकूजा आइसक्रीम
सराफा बाजार अंबाला कैंट। ये है अंबाला कैंट का सराफा बाजार और बड़ा सा पीछे आपको साइन बोर्ड मिल जाएगा सकूजा आइसक्रीम का। इनका ये टेक अवे आउटलेट साथ में है और ये सिटिंग स्पेस भी बन चुका है। जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ सिटिंग स्पेस नहीं था, बढ़िया सी सिटिंग स्पेस बन चुकी है। चलिए इनकी हैंडमेड आइसक्रीम खाते हैं। मैं तो यही कहूँगा वोटिंग तो एक बहाना है, अंबाला में सकूजा आइसक्रीम खाना है। ये देखिए रूप और रंग देखिए, ये हैंडमेड मिल्क की पाइनएप्पल आइसक्रीम है। ये आप, ये इनका बड़ा कप है, ये 60 रुपए का है, जो हाफ कप होता है वो 30 रुपए का है। रूप रंग देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे पाइनएप्पल के पीसेस होते हैं। ये देखिए, ये आपको कैमरे में दिखा दूं, ये जो ये दिख रहा है कैमरे में, पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा पता, ये पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस इसमें हैं। चीयर्स। आत्मा तृप्त। देखिए ऐसी आइसक्रीम पूरे इंडिया में नहीं मिलती। और जैसे मैंने बोला कि वोटिंग तो बहाना है, सकूजा की आइसक्रीम खाना है, तो ये अगर आप कभी अंबाला आना जाना हो, कभी चक्कर लगे और आपने अभी तक सकूजा की आइसक्रीम नहीं खाई तो ये मिस नहीं करनी, मस्ट हैव है जी, मस्ट हैव। ये यहाँ का आइकॉनिक ब्रांड है। मैंने ये ब्रांड एक छोटी सी दुकान, छोटी सी जगह से इसको इतना बड़ा नाम करते हुए देखा है। यहाँ आएँ तो ये ज़रूर खाएँ, मेरा भी फेवरेट है, आप खाएँगे आपका भी फेवरेट हो जाएगा।